अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बाकी वीडियोस मैं अपलोड कर रही थी लेकिन वॉइस ओवर के साथ काफ़ी दिन बाद हो रही है। बहुत ज़्यादा मसरूफियत है यूनिवर्सिटी में, तो आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ कॉफ़ी शॉप। क्योंकि आपने पहले देखा बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पे, 4 डिग्रीज 3 डिग्रीज टेम्परेचर है। तो अब फिर मैं लंच करने के लिए जो है वो फिर बाहर नहीं बैठती हूँ, तो हम इधर कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं। या फिर इससे एक फ्लोर ऊपर जो है वो है जो ईटिंग एरिया, जहाँ पे जो है वो बुफे स्टाइल में जो है वो सारा खाना अवेलेबल होता है, लंच में आप खा सकते हैं। लेकिन मैं यूजली घर से ही लेके आती हूँ। तो ये है जी कॉफ़ी एरिया जहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं। ये हर टाइम खुला हुआ होता है, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बस डिनर के टाइमिंग्स में ही ओपन होता है। सो यहाँ पे देखें एशिया सूप एंड ब्रेड वगैरह, और यहाँ पे जूसेस और जो आप कह सकते हैं कॉफ़ी कॉर्नर और डिफरेंट किस्म के स्वीट्स वगैरह ये अवेलेबल हैं। सिटिंग एरिया है यहाँ पे, ये बेकरी है, ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, और यहाँ पे ओवन्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वंस अगेन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एकदम ट्विस्ट आ गया है कि मैं आपको कॉफ़ी शॉप दिखा रही थी, उसका टूर करा रही थी, और यहाँ पे बिल्कुल मैं अब रोड पे आ गई हूँ और अंधेरा हो गया वह मैं चल रही हूँ यहाँ पे। तो द रीज़न इज़ कि मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी, और क्योंकि कोरोना की वजह से ना वहाँ पे चेकिंग होती है कि कौन कौन से जो है वो ETH के स्टूडेंट्स हैं। और फिर हर टेबल के ऊपर, टेबल्स आपने शायद देखी हो, हर टेबल के ऊपर जो है वो उन्होंने रखे हुए होते हैं, एक फ़ाइल रखी हुई होती है जिस पे आपको जाते हुए और आते हुए आपने मेंशन करना है कि आप किस ग्रुप से हैं और आपका ETH कार्ड नंबर क्या है, ताकि अगर कोई कोरोना केसेस होते हैं तो वो आपको डिटेक्ट आइडेंटिफाई कर सकें, आपको ट्रैक कर सकें। तो उस वक़्त वो जो चेकिंग के लिए टर्मिनल पे बंदा था वो नहीं खड़ा हुआ था, तो मैं अंदर जाके वीडियो बना रही थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो जी बस वो फिर 2 मिनट की ही मैं वीडियो बना सकी, फर्दर नहीं बना सकी। लेकिन बाद में जब मैं वहाँ बैठ के लंच स्टार्ट कर चुकी थी, तो फिर बाद में एक जो है वो आया था बंदा, उसने आके चेक किया, जो भी वहाँ पे सर्विस पे होते हैं लोग, उन्होंने मेरा कार्ड चेक किया दोबारा से, तो उनको पता चल गया कि मैं यहीं की ही स्टूडेंट हूँ। तो फिर जो है उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, बट ये था कि उस वक्त फिर मुझे वापस जाना था लैब में और मुझे जो है ना रिएक्शन को देखना था, तो इसलिए फिर मैं फर्दर वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन मैंने सोचा वो 2 मिनट का क्लिप जो हम वेस्ट नहीं करते हैं और फर्दर जो व्लॉग है वो यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जी अब आप सोच रहे होंगे मैं रात को इस वक्त जो है वो कहाँ जा रही हूँ। तो इस वक्त यहाँ पर हो रहा है जी टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 6 बजे हैं, फुल अंधेरा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो है वो ज्यूरिख सेंट्रम पे हूँ जर्मन की क्लास लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे ऐसे ही है आजकल 6 बजे ऐसे ही अंधेरा हो जाता है। तो जी कायनात जो है वो बाबा के साथ, उसके बाबा जो हैं वो उसको लेंगे डे केयर से और वो घर चली जाएगी, और उसके बाद फिर वो लोग आएंगे मुझे लेने के लिए 7:45 पे, क्योंकि 2 घंटे की 1.5 घंटे की मेरी क्लास होती है। क्या हो गया मुझे, 2 घंटे की होती है, ओके सॉरी, इट्स 1.5 घंटे की क्लास। सारा दिन जो है ना वो लैब में इतनी जो है वो मल्टीटास्किंग करके ना, आप बिल्कुल इस वक्त तक ना माइंड जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि माउफ हुआ होता है। तो यहाँ का वेदर जो है कैसा है और क्या हालात यहाँ पे चल रहे हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग जो है इंशाल्लाह मैं
उसमें आपको बताऊंगी। अभी बस एक छोटा सा ही व्लॉग मैंने सोचा मैं बनाती हूँ, आप लोगों से बातचीत करती हूँ। और आप लोग सुनाएं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जो जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके एरिया में वेदर कैसा है, विंटर स्टार्ट हुआ है या नहीं। अच्छा, मैंने एक बार पहले भी आपको दिखाया था जर्मन क्लास लेने के लिए मैं जो है वो आती थी, लेकिन ये उससे डिफरेंट है क्योंकि दो दिन क्लास होती है, एक दिन जो है वो किसी और बिल्डिंग में होती है और दूसरे दिन किसी और बिल्डिंग में। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे और तो थर्सडे के लिए भी ऐसे ही होता है, मैं ई लिंक बस ही लेती हूँ जो ज्यूरिख के हंगेबर्ग कैंपस से जो है वो इधर मेन कैंपस पे आके जो है वो मैं उतारती हूँ। उसके बाद काफ़ी चल के आना पड़ता है इस बिल्डिंग तक, तो बस जी मेरी क्लास है 6:15, तो मैं बस अपनी क्लास में ही जाती हूँ। और आप लोग बताइएगा आज का रैंडम सा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत खूबसूरत होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लीजिए अल्लाह हाफिज़।